सबसे पहले सीएलसी परिवार को सादर प्रणाम क्योंकि अगर मैं उस समय लास्ट ईयर अगर ये डिसीजन ना लेता सीएलसी आने का तो शायद मेरा ये जो रिज़ल्ट है ये आज ऐसा नहीं हो पाता इसके लिए बॉस को पूरी सीएलसी टीम को सभी फैकल्टीज़ को सभी हॉस्टल इंचार्जेस को और सभी मेरे फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यू क्या बात <laughs> मैं जोधपुर राजस्थान का निवासी हूँ जो हमारे ताऊजी जी है आ, उनकी लड़की जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है सर क्या भा? तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने भी सोचा कि पीएमटी देते हैं देते सर जब टेंथ क्लियर हुआ था उसके बाद मैंने काफ़ी जर्नी की इलेवन ट्वेल्थ वगैरह और लास्ट में सीएलसी आकर ये जर्नी ख़त्म हुई मेरी इसके लिए सबको बहुत थैंक यू सर मेरे को डिस्ट्रेक्शन की बहुत प्रॉब्लम थी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट ईयर मूवीज़ देखी थी इस वजह से काफ़ी कुछ मिस कर दिया था मैंने तो इस वजह से सिलेक्शन हो नहीं पाया था इक्कीस में हाँ सर ओ तो सबसे बड़ा सीएलसी का फायदा ये था कि इस साल फ़ोन चलाओ नहीं थे तो इस साल जब फ़ोन नहीं रखा तो काफ़ी डिस्ट्रेक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी तो जैसे रामायण में हनुमान जी को जामब जी की जरूरत पड़ी थी अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए मेरे लिए वो जाम्ब जी सीएलसी की पूरी टीम बनी आज मैं अपना सारा क्रेडिट सेल्स देना चाहूँगा क्योंकि उनके नाइट कैंप की जो सुविधाएँ थी जो शांत माहौल था जो रात को सभी बच्चे एकजुट होकर एक, एक साथ डिस्कशन करके पढ़ते थे उससे काफ़ी फोटोग्राफिक मेमोरी काफ़ी कुछ लर्न हो गया हम टेस्ट सीरीज देखे जब आते थे हॉस्टल में तो हम फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे से पूछते थे अब कि तुम्हारा क्या गलत हो गया मेरा क्या गलत हो गया ये कैसे सही होगा इसका सॉल्यूशन क्या है आज तुम्हारा रिज़ल्ट क्या बना इससे एक काफ़ी हेल्दी माहौल मिला सर हमको हमारे हॉस्टल में इसके लिए मैं हमारे हॉस्टल वार्डन्स और सभी मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स को भी थैंक कहना चाहूँगा क्योंकि अगर वो ना होते तो हर छोटी छोटी चीज़ जो टेस्ट सीरीज में आई है सर वो इतना फ्रिक्वेंटली मुझे एग्ज़ाम में नहीं आ पाता और शाम की जो असेंबली हुआ करती थी हमारे कैम्प से पहले उसमें हमारे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता था ओम के उपचारण कराए जाते थे हमसे इस वजह से एग्जाम में ये हुआ ना कि एकदम शांत चित्ता मेरा उस शांत चित्त की वजह से मैंने लगभग काफ़ी बच्चे बायो अटेंड करते पहले लेकिन एग्जाम में जब मैंने बायो अटेंड करना स्टार्ट किया तो सर मेरे हाथ ऐसे काप में लग गए तो हाँ। हाँ, हाँ। क्वेश्चन जो थे उसमें स्टेटमेंट स्टेटमेंट थे जो मेरे कोर्ट में हाँ। हाँ। और मेरे ऐसे हाथ दूसरे लग गए अब तो बायो भी नहीं आ रही तो इस साल फिर से नहीं होना तो वो जो इन्विजिलेटर थी वो भी आके बोली कि बेटा तुम्हारे मेडिकल कंडीशन तो सही है ना मैंने तो फिर मैंने फिजिक्स देखी मैंने पूरी फिजिक्स फॉल की अच्छे से और फिज़िक्स ट्वेंटी फाइव तो टू थर्टी मिनट्स में मेरी ओवर हो गई थी और उसके साथ केमिस्ट्री मैंने सवाई घंटे के अंदर पूरा केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का अच्छे से पेपर कर लिया था तो मेरा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये था कि जब मैंने मेडिटेशन की तो मेरा उधर अच्छे तरह से विवेक काम कर गया और मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री पहले कर दी जिस वजह से मेरे को बायो की कवर करने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया तो इसके लिए असेंबली को सर बहुत ज़्यादा थैंक यू और मेरे को सी एल सी आने का रेफर गुडू राठौड़ दीदी ने किया था जो भी एसएनएमसी जोधपुर में सर और उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया मेरे को जब भी मैं डीमोटिवेट होता तो या तो सी एल सी की फैकल्टीज ने काफी मदद की या वो दीदी थे जो मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते थे इसके लिए मैं जो आज बच्चा पांच सौ पे खड़ा है वो किसी भी कोचिंग का बच्चा उसका कहना चाहोगे आप डीमोटिवेट ना लास्ट ईयर जब मेरे फाइव एटी एट आए थे और जब ए आई आर देखी थी सर तो ऐसा था कि या तो मॉपअप तक मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं क्योंकि और मिलेगा भी तो वो अच्छा कॉलेज बिल्कुल नहीं होने वाला तो मम्मी ने पापा ने उसी रात बैठ के ये डिसीजन लिया दीदी से बात की थी कि अब क्या करें दीदी ने बोला कि अब इसको सीकर भेजो डायरेक्ट क्योंकि अब इधर जोधपुर में उसका कुछ नहीं होना जो होगा वो सिकर में होगा सिकर में जब मैं आया तो नाइट कैंप की सुविधा सुविधाएँ क्लास मॉर्निंग शिफ्ट में मेरी क्लास हुआ करती थी सात से एक रेगुलर क्लासेस होती थी सारी फैकल्टीज और मैं शाम को छः से सात डाउट काउंटर पे हमेशा खाना खाने के पहले डाउट काउंटर पर आता था सभी फ़िजिक्स के जो भी मेरे पूरे दिन में जितना भी टाइम मिलता क्लास में मेरे को ब्रेक में उसके सारे डाउट्स मैं शाम को क्लियर कर देता था तो डाउट काउंटर का भी सपोर्ट रहा थैंक यू डीरासी बहुत बहुत धन्यवाद आपका